अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पाइसी चटपटे पोटैटोज़। बहुत इजीली बहुत मज़े के बनते हैं, आप इसे स्नैक के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास यहाँ पोटैटोज़ मौजूद हैं। पोटैटोज़ को मैंने बॉयल कर लिया है। मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ लिए थे। इसी के साथ यहाँ टोमेटो पेस्ट मौजूद है। मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ लिए थे, उन्हें बॉयल करके पील ऑफ करके ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। इसी के साथ यहाँ इमली का पेस्ट मौजूद है 1 कप के करीब। ऑयल हमें चाहिए 3 से 4 खाने के चम्मच। फिर अदर इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए चीनी 1 टेबलस्पून, चने का आटा हमें चाहिए यानी बेसन हमें चाहिए 2 टेबलस्पून, चाट मसाला हमें चाहिए 1 टीस्पून, नमक हमें चाहिए हसबे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च हमें चाहिए 1 टीस्पून। इसी के साथ ये फूड कलर है मेरे पास, हमें चाहिए चुटकी भर। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वहाँ से भी इजीली नोट कर सकते हैं। तो चलिए इसकी मेकिंग की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, हम मेकिंग पे आ गए। मेकिंग के लिए मैंने एक पैन में ऑयल ऐड कर दिया, उसको मीडियम हीट पे मैंने गरम कर लिया है हल्का सा। अभी मेरे पास चंद अदद कड़ी पत्ते और ज़ीरा मौजूद है, वो इसमें शामिल कर देते हैं। हल्का सा इसको सॉटे करेंगे ताकि इसकी एक अच्छी सी महक आने लगे। इसी के साथ ये टोमेटो पेस्ट है आप देख सकते हैं, वो इसमें शामिल कर देते हैं। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। इसी के साथ ये इमली का पेस्ट मौजूद है, वो भी शामिल कर देते हैं। चीनी मौजूद है, वो भी साथ ही शामिल कर देते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, वो भी ऐड कर देते हैं। चाट मसाला मौजूद है, वो भी साथ ही ऐड कर देते हैं। नमक मौजूद है, वो भी ऐड कर देते हैं। फूड कलर है, वो भी शामिल कर देते हैं। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। छः से आठ मिनट के लिए हम इसे इसी तरह पकने देंगे ताकि टमाटर का जो एक्सेस पानी है वो ड्राई हो जाए और हमारा सॉस अच्छी तरह पक जाए। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा टोमेटो सॉस अच्छी तरह से पक चुका है, इसका एक्सेस पानी भी था वो ड्राई हो चुका है। अभी मेरे पास बेसन यानी चने का आटा मौजूद है, वो इसमें शामिल कर देते हैं। अच्छी तरह से चमचा हिलाएंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। कंटिन्यूसली आप चमचा हिलाते रहें ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे आटे की और सॉस हमारा पैन से ना लगे। आप देख सकते हैं हमारी ये सॉस थिक होना शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा और हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी मैं इसमें बॉइल पोटैटोज ऐड कर देती हूँ, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाला और पोटैटोज अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं हमारे स्पाइसी चटपटे पोटैटोज़ बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं।
जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे ये स्पाइसी चटपटे पोटैटोस बिल्कुल रेडी हैं। मैंने इसे सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई भी करेंगे। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल रेसिपीज जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।